नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का रिप्लाई देना चाहूँगा। मेरे पास मैसेज आया खुशी जी का, इन्होंने लिखा है, सर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में गौमुखी के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गौमुखी यानी जिस प्लॉट का आगे का भाग चौड़ाई में कम होता है और पीछे का भाग चौड़ाई में ज़्यादा होता है, ऐसा प्लॉट गौमुखी प्लॉट कहलाता है। चाहे वो फेसिंग आपकी नॉर्थ बने, ईस्ट बने, साउथ बने या वेस्ट बने, या आपका प्लॉट डायगनल हो, कैसा भी हो, जिस प्लॉट का आगे का हिस्सा चौड़ाई में कम होगा और पीछे का हिस्सा चौड़ाई में ज़्यादा होगा, वो गौमुखी प्लॉट कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गौमुखी प्लॉट साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, जिस प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ हो, ऐसा प्लॉट वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है, साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग गौमुखी प्लॉट। अगर नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर बढ़ेगा या साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ेगा, या दोनों ही बढ़कर वो प्लॉट गौमुखी बनेगा, या आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है तो उसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या तो दोनों ही बढ़ेंगे या उनमें से कोई एक कॉर्नर बढ़ता है तो भी प्लॉट गौमुखी बनता है। नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग प्लॉट गौमुखी होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी गौमुखी कोई प्लॉट आप परचेज करना चाहें तो वो साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो ऐसे प्लॉट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आप अपने घर के बारे में कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें, मैं वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँ। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर 600 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपनी नई साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।